सीटू की कुल्लू जिला कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूरों ने हिस्सा लिया। जिलाधीश कार्यालय के बाहर लोगों को संबोधित करते हुए सीटू जिला कोषा अध्यक्ष भूप सिंह भंडारी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 6 वर्षों से लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, जो कि सरासर गलत है। कुल्लू में सीटू ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू ने कहा कि मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं के नाम पर काम के घंटे 8 से 12 करने की कोशिश की जा रही है। नियमित रोजगार की जगह फिक्स टर्म नौकरी का प्रावधान किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि में उद्योगपतियों का अंशदान 12% से कम कर 10% किया गया है। निर्माण मजदूरों के लिए गठित श्रमिक कल्याण बोर्ड के पैसों को केंद्र सरकार के पास जमा कर श्रमिक कल्याण बोर्ड को कमजोर किया जा रहा है। श्रमिकों की जायज मांगों पर हड़ताल करने पर भी जेल व जुर्माने का प्रावधान और किसी भी उद्योग में 300 तक काम करने वाले मजदूरों का बिना कारण बिना सरकार से इजाजत से छंटनी नौकरी से हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में मजदूरों को यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना, बिजली बिल 2020 को वापस लेने के लिए वे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रम संगठनों की जो केंद्रीय समन्वय समिति है उसके आह्वान के ऊपर जो 25 अभी जनवरी को इनकी एक बैठक हुई सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की, उसमें ये फैसला लिया गया कि जो देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये श्रम कानूनों को बदल करके 4 संहिताओं में 4 कोड में बदला गया है, इसका जो है हम पूरे देश के जिला मुख्यालयों के ऊपर भरपूर विरोध करेंगे, इसके लिए ये आज का ये प्रदर्शन रखा गया था। और इसी के साथ साथ ही अभी जो हमारा पहली जो फरवरी को था पूरे देश का जो बजट है वो भी आम जनता के सामने जो पार्लियामेंट के सामने आया है, जो ये श्रम कानूनों के अंदर जो फेर बदल किया गया उसको जो 4 कोड में बदला गया उसका जो नज़र मतलब जो ये था वो पूरे का पूरा इस बजट में सामने आया है। क्या हुआ है इस बजट में कि देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे, बैंक है, बीमा है, BSNL है, आपका रेलवे है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशंस हैं, और जो दूसरे जितने भी सार्वजनिक बिजली विभाग है, पानी है, ये सारे के सारे बेचने की पूरी कोशिश की गई है और कुछ तो बेच दिया गया है इस बजट में। ये जो उन्होंने ये जितना भी 34-35 हजार लाख करोड़ रुपये का जो प्रोविजन बजट में रखा गया है इसको जो देश के जो हमारे ये थे उसको बेच करके मतलब कि उसको पूरा करने की जो वो कोशिश की गई है, परंतु इस बजट में जो लोगों को उम्मीद थी, खास करके मजदूरों को उम्मीद थी कि उन मजदूरों के लिए कुछ मिलेगा जिनके साथ ये जो संहिता मतलब जो कानून थे उनको जो संहिता में बदला गया, परंतु मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का भी सीटू ने विरोध किया है। सीटू ने इस बजट को आम जनता, मजदूर व किसान विरोधी बजट बताया। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।